नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सिंपली देखते हैं बिटकॉइन क्रैश किया। अगर आपने परसों का मेरा वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने क्लियरली आपसे बताया था कि यहां पर एक बहुत बड़ा आपको क्रैश यहां पर देखने को मिल सकता है। तो आइए यहां पर स्क्रीन पर और चेकआउट करते हैं। अगर आप यहां पर आते हैं स्क्रीन पर तो आज यहां पर ग्राफ देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहां पर आपको बिटकॉइन एग्जैक्टली जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर मैं इस चीज को दिखाऊं यहाँ पर नोटिस कीजिएगा इस वाले वीडियो में, ये ऐसा कुछ आपको चार्ट दिख रहा था, ठीक ना। यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ से गिर करके इधर आने के चांसेस है, क्योंकि बिटकॉइन का अगर हायर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये बिल्कुल ही एक रेजिस्टेंस पर जा चुका है। मार्केट में यहाँ पर बहुत से लोगों का निगाह है। निगाह से मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप एक छोटा सा चीज अगर नोटिस करते हैं कि मतलब जैसे कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई अगर आप पिछले 2022 और 2023 अगर देखें तो आपके मन में था कि भाई बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जो है वो 69,000 है। मतलब कि 69,000 पर जाएगा तो वहां पर मार्केट में बहुत से लोग जो है ऐसा सेल करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका माइंड में है क्या भाई कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जो है वो कहीं ना कहीं 69,000 पर है। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे डाटाज होते हैं, कुछ ऐसे सपोर्ट होते हैं, कुछ ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जहां पर लोग जो है वो नजर बनाए रखते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सिंपल यहाँ पर जब एक रेजिस्टेंस था, चाहे आप यहाँ पर नोटिस करते हैं यहाँ पर भी एग्जैक्ट मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस था और एक बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला। सेम चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो इस एरियाज में, इसी चीज को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर एक्सचेंजेस से लेकर के बहुत से ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स है उनका भी नजर होगा कि यहाँ से एक मार्केट बड़ा सा क्रैश ले सकता है। बताओ एक चीज अगर आप यहाँ नोटिस करते हैं, यहाँ से जब मार्केट गिरा था तो ये ऑल टाइम हाई लगभग टच करने वाला था 64,000 के आसपास, मतलब 63,000 के आसपास से ये क्रैश लिया था यहाँ तक बड़ा वाला, और अभी जो क्रैश लिया वो 73,000 से क्रैश लेकर के 65,000 के आसपास आया हुआ है। बड़ा अभी भी नोटिस करते हैं तो यहाँ पर एक मेजर आपका सपोर्ट बन रहा है, मतलब कि इसको नहीं तोड़ना चाहिए फिलहाल। देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि कुछ बड़े इन्वेस्टर माइक्रो स्ट्रेटजी, ब्लैक रॉक, जो कि 70,000 के ऊपर जब खरीदारी कर रहे हैं बिटकॉइन की, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में अभी वो पोटेंशियल है जो कि यहाँ से काफी ज्यादा ऊपर है। एक नया ऑल टाइम हाई, जो कि नया ऑल टाइम तो बना है बट और भी ज्यादा लाइक 100 के या 120 के ऐसा बनाने का इसके पास एक पोटेंशियल है, तभी तो वो भाई $72,000 पे खरीद रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो सिंपल कहने का मतलब है कि भाई अगर इसका ब्रेकआउट करता है, इस पर नजर बनाए रखिएगा, अभी ब्रेकआउट तो नहीं कर रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ा क्रैश आ सकता है। बट हाँ, चूंकि अगर आप इसका RSI भी हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं वहां पर ओवरबॉट एरिया में है, ओवरबॉट एरिया में था इस पॉइंट्स पे अगर नोटिस करते हैं तो, बट गिरने के बाद से अभी आ गया है नीचे की तरफ, ठीक ना। तो अभी फिलहाल नोटिस करते हैं तो अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तो क्या आपके पास चांसेस है कि अभी मार्केट जो है यहीं पे साइडवेज करे जस्ट लाइक ऐसे, ठीक ना, और धीरे धीरे करता करता एक मिनट करता हुआ जाए। सेम चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो यहाँ पर वो चीज को आप देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर मार्केट गिरा, फिर धीरे धीरे करके रिकवर करता करते ऊपर गया और यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ चला गया। क्यों? क्योंकि अगर बिटकॉइन दोबारा से आकर के नियर टू इसके आसपास क्लोजिंग देता है, समझ रहे हैं बात को, लमसम हम लोग अगर देखें यहाँ पर 62,000 के आसपास तक, 61,000 कुछ या 60,000, 62,000 के आसपास, तो समझिएगा कि जो बोल रहे था ना वो ट्रैप हो जाएगा नियर टू एक लंबे समय के कंसोलिडेशन। बट जब तक ये 65,000 के ऊपर है तब तक आप पूरा फुल कॉन्फिडेंस में बुलिशनेस को फील कर सकते हैं या बुलिशनेस की तरफ जा सकते हैं, ठीक ना। तो पहला चीज, अगर यहाँ पे क्रैश लेता है तो ऑल्टकॉइंस में बहुत बड़े बड़े क्रैश आपको देखने को मिलेंगे। जो अभी आपको 5-10% क्रैश दिख रहा है वो आपको 20%, 30%, 40% के क्रैश ऑल्टकॉइंस में, मतलब जैसे सीबा गया है ऊपर, पेपे गया है ऊपर, जितने मीम टोकन्स गए हैं सबके सब आपको धीरे धीरे करके जहां से गए थे ना उधर आना शुरू कर देंगे। तो अभी नजर में, बट अभी फिलहाल एक मेजर कंसोलिडेशन है, बट यहाँ से तो हम लोग देखने वाले थे कि यहाँ पर कुछ मेजर टोकन जो कि आप यहाँ पर नजर बना सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला चीज देखते हैं तो भाई अभी तो मार्केट में वही सिचुएशन है, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी इन तीन टोकन्स को नोटिस किया, बट अभी आपको डीप में मिल रहा है तो डीप में आप यहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं। पहला प्रोजेक्ट देखते हैं तो पहला प्रोजेक्ट बिट रॉक, ब्रॉक, ठीक ना। ब्रॉक को मैंने आपको कई बार रिकमेंड किया, ठीक ना। अभी भी देखते हैं तो ये इथेरियम के साइड चेन के रूप में काम करता है, ठीक ना। तो आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। 10 बिलियन के आसपास से देखते देखते 22 बिलियन गया था, अभी ये आपका 14% डाउन पे मिल रहा है, बात समझ रहे ना। हाँ, इसके पास वो पोटेंशियल है कि कभी भी ये आपको $1 पे जाता हुआ दिख सकता है। क्या $1, यानी यहाँ से भी 5x ऊपर, तो कभी भी 5x करता हुआ दिख सकता है, तो इस पर नजर बनाए रखिएगा।
नेक्स्ट अगर आप आपको नोटिस करते हैं तो अनमार्शल मार्स टोकन को भी हम लोगों ने कई बार देखा है, अभी 15 मिलियन के ही मात्र मार्केट कैप पे अभी भी खड़ा है। इसके पास भी पोटेंशियल है कि भाई बिटरॉक से भी पहले ये $1 को अचीव कर जाए, क्योंकि बिटरॉक का सप्लाई जो है वो 100 मिलियन का है सर्कुलेशन, इसका अभी मात्र 52 मिलियन के आसपास सर्कुलेशन है, 52 मिलियन के आसपास सर्कुलेशन में उसका 100 मिलियन। हालांकि दोनों का मैक्सिमम सप्लाई सेम है बट ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि ये इंडेक्सिंग में भी काम करता है जस्ट लाइक द ग्राफ। नेक्स्ट अगर आप नोटिस करते हैं तो सेल फ्रेम को पे नजर जरूरी बनाए रखिए। सेल फ्रेम पे नजर बनाने का मेन रीजन है, सेल फ्रेम पे अगर आप नोटिस करते हैं तो हम लोग इसको 5 मिलियन के मार्केट कैप से देखते हैं, वहां से ऑलमोस्ट आपको 10x कर चुका है, मेरा भी किया है और जब से हम लोग देख रहे हैं तब से डेफिनेटली बात है कि आपका भी हो चुका है। क्योंकि जैसे जिस रेट पर ये है ना, ये 28 पर है या 20 के आसपास है, सेम इसी रेट पर ये रहता था सेल फ्रेम आपका, और अभी देखिए तो $2 टच करके अभी 11% से डाउन है, आप समझ रहे हैं ना, $2 से भी ऊपर ये जा चुका है अभी, आदि ऑल्टकॉइंस गिरे हैं तो वहां पे गिरा हुआ है। तो अभी भी आपको इसमें जैसे डिप मिलता है तो आप इसको पोजिशन बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये किसी भी मेजर एक्सचेंज पर नहीं आया है, इसका देखिएगा अभी भी किसी भी मेजर एक्सचेंज पर नहीं आया है, सिर्फ ये यहाँ पर गेट पर मैक्स MEX पर और इन सब एक्सचेंज पर ही भाई 10x कर चुका है। तो सोचिए कि अब इसका नेक्स्ट जो काम है वो अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्टिंग्स का, चाहे वो क्यूकॉइन हो, यूवाई ग्लोबल हो, बाइबिट हो, बाइनेंस हो, कॉइनबेस हो, तो भाई वहां पर रहेगा तो काफी ज्यादा इसके प्राइस में आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो इसमें आप नजर बना सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।